हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से इस वीडियो सेशन का मेरा टॉपिक है कौन कौन से प्रिमिटिव ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें से मैं आपको रीडिंग प्रिमिटिव ऑपरेशन पे इस वीडियो सेशन पे फोकस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टेक टॉक्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपको बेल रिंगिंग रखना है, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन देता रहेगा। आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो। मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए और कमेंट भी देना ना भूलिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है, फाइल हैंडलिंग इसका मतलब है कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें फाइल हैंडल करना है। जैसे कि रीडिंग ऑपरेशन होता है, राइटिंग ऑपरेशन होता है, ये दोनों परफॉर्म करने के लिए हमें फाइल ओपन करनी पड़ती है, और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमें फाइल क्लोज करनी पड़ती है। तो यही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। तो कौन कौन से प्रिमिटिव ऑपरेशंस आपको पता है? तो सबसे पहले हमें फाइल ओपन करनी पड़ती है। अगर फाइल एग्जिस्ट है तो हम ओपन करेंगे, फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये फाइल कैसे ओपन करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे फोकस कर रही हूँ। तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर आप ये वाला वीडियो रिज्यूम कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ऐसे मानती हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता है। तो हम अगर फाइल ओपन कर सकते हैं तो उसके बाद हम उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसका हम यूज भी कर सकते हैं। तो अगर हमें ये फाइल यूज करना है तो वो हम कौन से पर्पज के लिए यूज करेंगे? तो हम आइदर रीडिंग के लिए यूज करेंगे और राइटिंग के लिए यूज करेंगे। हमारा यूज होने के बाद हमें फाइल क्लोज भी करनी है। तो हम फाइल कैसे क्लोज करेंगे ये भी मैंने हाउ टू परफॉर्म ओपन एंड क्लोज फंक्शंस इन प्रिमिटिव ऑपरेशंस वाले वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो अभी मुझे आगे बढ़ना होगा, जहां तक कि रीडिंग का सवाल है और राइटिंग का सवाल है, हमें हर एक बार ये चीज ध्यान में रखनी है कि आईओ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम, ये दोनों क्लासेस हमें हमारी फाइल में इंक्लूड करने होते हैं। ये दोनों हेडर फाइल्स हैं हमारी सोर्स कोड में, वो इंक्लूड अगर हम नहीं करते हैं तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें देखना है कि फाइल पॉइंटर क्या होता है। जब भी हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं कौन से भी पर्पज के लिए, या तो वो रीडिंग ऑपरेशन हो या राइटिंग ऑपरेशन हो, उसके लिए हर एक फाइल के लिए फाइल पॉइंटर एक मेंटेन होता है, जो हमें मदद करता है ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। क्या मदद करता है? तो वो हमें मदद, जो करंट पोजिशन है आपके कर्सर का उस फाइल में, उसका ट्रैक रख के वो हमें हेल्प करता है, क्योंकि उसी फाइल पॉइंटर की मदद से हम कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे हमें राइट करना है, कौन सी पोजीशन से हमें रीड करना है, वो सारी चीजें हमें पता चलती है। तो वो उसके लिए हमें वो फाइल पॉइंटर इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको फाइल पॉइंटर अच्छे से पता है तो हम अगली वाली रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन जो भी हो हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में मैं आपको रीडिंग ऑपरेशन बताने वाली हूँ, मैं रीडिंग ऑपरेशन पे फोकस करने वाली हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि रीडिंग ऑपरेशन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो रीडिंग ऑपरेशन होता क्या है। चलो अभी मान लो कि ये आपकी फाइल है जिसमें ये तीन वैल्यू स्टोर है, ये तीनों की तीनों वैल्यू हमें रीड करनी है। तो ये रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक हर एक वैल्यू का एक कॉपी बनाएंगे और वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फाइल पॉइंटर आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, इसका फिर से हम कॉपी बनाएंगे और वो कॉपी हम इस वेरिएबल में पेस्ट कर देंगे। फाइल पॉइंटर आगे बढ़ के अगले वाले वैल्यू का कॉपी बना के
वो थर्ड वेरिएबल में पेस्ट कर लेगा. तो रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल इज नथिंग बट डेटा जो हम कॉपी कर रहे हैं वो वेरिएबल में पेस्ट करना है. ये हो गया आपका रीडिंग ऑपरेशन. वो हमें कैसे करना है, तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि आपको सी इन के साथ जैसे आपने यूज किया है वही हम यूज करेंगे. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अदर देन सी इन हम जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो हम आई एफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. बस उतना ही डिफरेंस है, जो कि होगा आपका फाइल पॉइंटर. तो हमें वो कैसे करना है मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. तो हमें क्या बनाना है, हमें जो वेरिएबल है वो जो है इन फाइल, ये जो ऑब्जेक्ट है और अ वेरिएबल जिसको हम फाइल पॉइंटर बोल रहे हैं वो है आई एफ स्ट्रीम का वेरिएबल. क्योंकि हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि है इनपुट ऑपरेशन, इसलिए हम आई एफ स्ट्रीम यूज करेंगे. अभी ये वेरिएबल यूज करके हमें फाइल ओपन करनी है जिसका नाम है ए फाइल डॉट डैट, और वो हमें इन मोड में ओपन करनी है क्योंकि हमें रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अभी ये ओपन कैसे करते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, और ये जो ओपनिंग मोड है वो वाला भी मैंने ओपनिंग मोड्स इन सी प्लस प्लस करके वीडियो है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, उस पर आप देख सकते हो कि और कौन कौन से टाइप के ओपनिंग मोड्स होते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने हमें रीड करना है फाइल, वो इन फाइल जो फाइल पॉइंटर है उसके मदद से हमें डेटा रीड करना है. तो ये फाइल से डेटा रीड होके कौन सी फाइल से रीड करेगा, जिसके साथ इन फाइल फाइल पॉइंटर एसोसिएटेड है. वो कौन सी फाइल है, वो हो गई ए फाइल डॉट डैट. तो ए फाइल डॉट डैट में कर्सर जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से ये डेटा रीड करेगा, और सी आउट की मदद से ये डेटा हम आउटपुट स्क्रीन पे राइट कर लेंगे. अभी हम फिर से एक बार यही रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ये रीड होने के बाद जो ये फाइल पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली एडवांस हो जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, और नेक्स्ट पोजीशन का डेटा हमें फिर से यहाँ पे रीड करना है. फिर से रीड करके हम वो आउटपुट स्क्रीन पे हम वो राइट कर रहे हैं, और ये रीडिंग होने के बाद हमारा पर्पज फुलफिल हो गया तो हम ये फाइल क्लोज कर देंगे. ये फाइल क्लोज करने के बाद जो मेमोरी अलॉटेड है वो फ्री हो जाएगी, और ये हो गया हमारा रीडिंग ऑपरेशन. तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाली हूँ जहां तक की रीडिंग का सवाल है वो हम कहाँ कहाँ तक यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहला ऑपरेशन है सर्चिंग. तो अगर मेरे पास फाइल है जिसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है, उसमें से मुझे एक रिकॉर्ड रीड करना है, सर्च करना है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, वो सारे रिकॉर्ड हमें रीड करने पड़ेंगे वन बाय वन. जो हमें सर्च करना है वो उस की के साथ हम हमेशा के लिए हम एक एक करके वो हम रीड करेंगे, और रीड करने के बाद हम कंपेयर करेंगे कि जो हमें चाहिए वो है या नहीं. अगर वो नहीं है तो हम आगे जाके अगला वाला रिकॉर्ड रीड करेंगे. सो इसके लिए सर्चिंग के लिए हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अगला वाला ऑपरेशन हम कौन सा यूज करेंगे एप्लीकेशन, तो वो है डिलीट. डिलीट में भी हमें जो रिकॉर्ड डिलीट करना है वो सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिलीशन भी एक एप्लीकेशन लिया है रीडिंग का, क्योंकि ये रीडिंग वाला ओनली हाफ पार्ट होता है डिलीशन में. एक्चुअल अगर हमें डिलीशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए राइटिंग की भी जरूरत होती है. तो ये तो हाफ पार्ट हो गया कि जो रिकॉर्ड डिलीट करना है वो हमें सर्च करना पड़ेगा, और सर्चिंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रीड डेटा फ्रॉम द फाइल. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं जो बता रही हूँ वो सारी चीजें समझ में आ रही है. थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा सुना, कमेंट करना ना भूलिए. यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक दे रही हूँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अगले वाले वीडियो का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विथ माई चैनल टेक टॉक्स. थैंक यू.